गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का EvS। ओके, और हमें पढ़ना था आज चैप्टर 8 की हमने रीडिंग कर ली थी और एक्सरसाइज भी हो गया था। तो आज हम लोग को करना है क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग कॉपी लेंगे और अपना क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। चैप्टर 8 द बर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई, इसका आंसर लिखेंगे। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स ऑफ द बर्ड्स, इसका आंसर लिखेंगे इसका आंसर। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, फ्लाइट फेदर्स। लिखेंगे दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट एंड दे help a bird to fly। second लिखेंगे down feathers। they are short and soft, they keep a bird's body warm। okay, then third point लिखेंगे body feathers। they cover the body and give shape to a bird's body। question number 3 लिखेंगे। question number 3, which materials are used by the birds to make their nests, इसका आंसर लिखेंगे। birds use many materials like leaves, dry twigs, cotton, thread, feather
build their nests. क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, हाउ डज अ टेलर बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट. इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे टेलर बर्ड sews its nest with its sharp beak using thread, wool, grass and vegetable फाइबर. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, इससे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है और इसे आप लोग अपने कॉपी में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ओके.